हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के सामने फिर से एक बार सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 लेकर के आया हूं। और ये लेक्चर नंबर 9 अंतिम लेक्चर है इस चैप्टर का, और इस चैप्टर का समापन है, आप समझ सकते हो तुम। और इसी के साथ आप मॉड्यूल्स के सारे क्वेश्चंस भी लगा सकते हो जो ऐप पे मौजूद है। तो मॉड्यूल्स और डीपीपीस को कंप्लीट करें और ऐप पर आप अपना डाउट्स पूछ सकते हो, आपको जो भी डाउट हो। तो आज ये चैप्टर का अंतिम लेसन है, या अंतिम लेक्चर अपन कह सकते हैं, या अंतिम वीडियो कह सकते हैं। और ये वीडियो में आज अपन पढ़ने क्या वाले हैं? अपन ने बहुत सारी चीजें पढ़ी, मोल्स के बारे में पढ़ा, स्टैक्योमेट्री के बारे में पढ़ा, मतलब स्टैक्योमेट्री के हर एक तरह के सवाल के बारे में पढ़ा, मैथमेटिकल टूल्स के बारे में पढ़ा कि जब भी अपने को आंसर देना तो साइंटिफिक नोटेशन के तहत आंसर देने की कोशिश करना है, क्योंकि वो ज्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है। फिर हमने मिक्सचर्स के बारे में भी पढ़ा, मिक्सचर्स कितने तरीके के होते हैं, उन सारी चीजों के बारे में भी पढ़ा। तो आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, आज अपन मिक्सचर जो अपन पढ़ रहे थे कि होमोजीनस होता है, हेट्रोजीनस होता है, होमोजीनस किस टाइप का होता है, इन सारी चीजों को डेप्थ में पढ़ेंगे। और आइए देखते हैं आज के लेक्चर में क्या अपने को देखना है। सबसे पहला जो टर्म आपके सामने नजर आ रहा होगा वो टर्म है कंसंट्रेशन टर्म, अर्थात ये जो वर्ड है कंसंट्रेशन टर्म, इसका यहां पर उपयोग क्या है, यहां पर इसका यूज क्या है कंसंट्रेशन टर्म का। तो कंसंट्रेशन टर्म क्या बताने का काम करता है? तो मैंने कहा कि आज मिक्सचर्स के बारे में डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, तो पहले कंसंट्रेशन टर्म को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा कि हमने पढ़ा था कि जो मिक्सचर होता है वो दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है बेटा? दो तरीके का होता है, एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है और दूसरा होमोजीनस मिक्सचर होता है। वही हेट्रोजीनस का क्या मतलब होता है? हेट्रोजीनस मिक्सचर वैसे मिक्सचर को कहते हैं जिसमें नॉन यूनिफॉर्मिटी रहता है। नॉन यूनिफॉर्मिटी कहने का मतलब आप मिला तो दिए लेकिन मिलने के बाद भी उनमें एकता नहीं नजर आ रहा है, वह एक नहीं नजर आ रहे हैं, बल्कि उसको देख करके ही पता चलता है कि ये मिले तो हैं लेकिन अच्छे से नहीं मिले हैं। वही होमोजीनियस में क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलता है। यूनिफॉर्मिटी कहने का मतलब इस प्रकार से मिलते हैं कि जैसे वो दो अलग अलग चीज नहीं है, जैसे वो पहले से एक दूसरे को जान रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी अपन डिस्कस करते हैं कि जैसे कि आप जब क्लास में जाते हो, किसी जब आप फर्स्ट टाइम कभी क्लास में गए होगे तो आप देखे होगे आप मिले तो बहुत जन से लेकिन उसमें से एक या दो जन ऐसा होता है उससे आप इस प्रकार से मिलते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आप उनको कितने दिनों से जान रहे हैं, आज से नहीं परसों का रिश्ता है आपका। और आप देखना वही आपका बेस्ट फ्रेंड भी बनता है। तो वहां पर भी दो तरीके के मिक्सचर्स क्रिएट होते हैं, एक एक होती है आम दोस्ती, ठीक है, जैसे क्लासमेट्स जितने भी उनके साथ भी आपकी दोस्ती तो होगी, आप थोड़ी ऐसे हैं कि दिन भर लड़ाई करते फिरते होंगे, नहीं, तो उनके साथ भी आपकी दोस्ती होगी। और एक आपका होता है बेस्ट फ्रेंड, तो बेस्ट फ्रेंड के साथ जो आपकी दोस्ती होती है ना वो कैसा मिक्सचर को क्रिएट करती है, क्योंकि वहां पर भी तो दो कंपोनेंट एक दूसरे से मिल रहे होंगे, और वो जो मिलन है वो किस प्रकार का मिलन है? वो मिलन होमोजीनस है, क्योंकि मिलने के बाद ऐसा लगता है कि ये दोनों अलग अलग नहीं है। हाँ, दिखते अलग अलग हैं लेकिन एकता का भाव उसमें नजर आता है, उनमें हर चीज वो एक ही तरीके से करना पसंद करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो टिफिन कर रहे हैं तो शेयर कर रहे हैं, वो एक साथ बैठ करके कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो साथ बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, खेल रहे हैं तो साथ में खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या चीज को बतलाता है कि उनके बीच में जो ये मिलन है ये कैसा मिलन है? ये मिलन होमोजीनस है, ये यूनिफॉर्मिटी को दर्शाने का कार्य कर रहा है। वही अगर अपन बात करें हेट्रोजीनस मिक्सचर का, तो हेट्रोजीनस मिक्सचर में क्या होता है? हेट्रोजीनस मिक्सचर में अपन कह सकते हैं कि यहां पर जो मिलन है वो कैसा है? वो नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब कि यहां पर मिला तो है लेकिन किस तरीके से मिला है, यहां पर जो उसका मिलन है वो उतना यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका और आपके क्लासमेट के बीच में जो मिलन है वो किस प्रकार का? वो हेट्रोजीनस है, क्योंकि मिलके भी साथ में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपका हर एक क्लासमेट आपके साथ बैठ करके टिफिन तो नहीं करता होगा, हर एक क्लासमेट आपके साथ बैठ करके साथ में पढ़ता तो नहीं होगा, हर एक क्लासमेट आपके साथ में रह करके खेलता तो नहीं होगा,
तो ये सारी चीजें क्या चीज को बताने का काम कर रहा है कि मिलन तो हुआ, मिक्सचर का तो फॉर्मेशन हुआ, लेकिन यहां पर जो कंपोनेंट्स आपस में मिले हैं वो किस तरह से मिले हैं, वो हेट्रोजीनियसली मिले हैं। हेट्रोजीनियसली, हेट्रोजीनियसली कहने का मतलब मिलने पर भी वो एक नजर नहीं आ रहे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सैंड है, उसको आप पानी में मिला दो भाई, कितना भी घोल लो वो एक नजर नहीं आएगा, उनमें नॉन यूनिफॉर्मिटी जरूर देखने को मिलेगी, कहीं पर ज्यादा मिल गया कहीं पर कम मिल गया। तो ये नॉन यूनिफॉर्मिटी देखने को बराबर मिलते रहती है सैंड प्लस वाटर में। ऑयल और पानी को डाल लो, कितना भी मिलाने की कोशिश कर लो, वो उस तरीके से मिल ही नहीं सकते हैं कि वह एक नजर आए। और वहीं अगर अपन होमोजीनस मिक्सचर का बात करें तो होमोजीनस मिक्सचर में यूनिफॉर्म मिक्सिंग होता है। यूनिफॉर्म मिक्सिंग कहने का मतलब क्या होता है बेटा, कि वो मिलते हैं लगते हैं एक जैसे। जैसे आप गर्मियों के समय में रूह अफ़ज़ा पीते होगे ना, या बहुत सारे शरबत पीते होगे, है ना, तो जितने भी वो हैं, फॉर एग्जाम्पल उसमें जो भी आप शरबत बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, शुगर डालते हो, वाटर डालते हो, और साथ में कुछ एसेंस भी डालते हो जैसे रूह अफ़ज़ा वगैरह, ठीक है। तो ये कैसा बना मिक्सचर, होमोजीनस। रसना बनाते होगे यार, रसना बड़ा चलता है, तो रसना का क्या होता है, पाउडर होता है, उसको आप किस में डालते हो, पानी में डालते हो, मिलने के बाद क्या वो अलग अलग नजर आता है, नहीं, तो वो क्या कहलाता है, होमोजीनस मिक्सचर। अब आप यहां पर एक चीज देखना, यहां पर क्या हो रहा है, चाहे वो होमोजीनस हो चाहे वो हेट्रोजीनस हो, लेकिन जो मिक्सचर का फॉर्मेशन हो रहा है वो वन और मोर देन वन कॉम्पोनेंट के मिलने से हो रहा है। है ना, वन और मोर देन वन कंपोनेंट के मिलने से हो रहा है। तो ठीक है सर, मैंने मिक्सचर समझ लिया, होमोजीनस क्या होता है वो भी समझ लिया, हेट्रोजीनस क्या होता है वो भी समझ लिया, लेकिन अब यहां पर एक टर्म है कंसंट्रेशन टर्म। अब ये कंसंट्रेशन टर्म क्या चीज को बताने का काम करता है, कंसंट्रेशन टर्म हमको ये बताता है कि कितना अमाउंट कोई एक सब्सटेंस प्रेजेंट है मिक्सचर में। मैंने क्या कहा, मिक्सचर क्या चीज से बनता है, एक या एक से अधिक कंपोनेंट से बनता है। फॉर एग्जांपल मिक्सचर का फॉर्मेशन ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्मेशन से हुआ, तो कंसंट्रेशन टर्म हमको यह बताने का काम करेगा कि ए कितने अमाउंट में वहां पर प्रेजेंट है, बी कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, या सी कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। तो कंसंट्रेशन टर्म हमको अमाउंट के बारे में जानकारी देता है किसी भी सब्सटेंस का जो उस मिक्सचर को बनाने में संयोग दिया है, तो उसका अमाउंट के बारे में जानकारी हमको कहां से मिलता है, कंसंट्रेशन टर्म से। तो हर एक कंसंट्रेशन टर्म क्या करता है, अमाउंट को बताता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन ये कंसंट्रेशन टर्म्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोगों के सिलेबस में जो अपने को देखना है वो क्या देखना है, सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखना है, और जो भी हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं वो कंसंट्रेशन टर्म्स कहां पर लगेगा, सॉल्यूशन के केस में लगेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर हम सॉल्यूशन को कहते हैं, या पर ऐसा कह सकते हैं कि जो भी मिक्सचर होमोजीनस होगा उसको अपन सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, हेट्रोजीनस को सॉल्यूशन नहीं कह सकते, मिक्सचर वर्ड यूज करेंगे। जैसे शुगर प्लस वाटर या सॉल्ट प्लस वाटर जो तुमने बनाया वो होमोजीनस मिक्सचर था, तो उसको हम सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर। लेकिन सैंड प्लस वाटर जो तुमने बनाया वो हेट्रोजीनस मिक्सचर था, उसको अपन नहीं कह सकते हैं इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ सैंड। अगर आप ऐसा प्रोनंशिएट कर रहे हो गलत हो, तो आप बोलोगे भी ना तो बोलना भी बहुत सटीकता के साथ, तो आपको फील होगा कि सब्जेक्ट की क्या ब्यूटी है। तो सब्जेक्ट की ब्यूटी को समझने के लिए आपको हर एक चीज को बहुत सोच समझ के बोलना होगा। तो आइए अपन देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में
कंपोनेंट के बेसिस पे अपन कितने तरीके से सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर सकते हैं, तो सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स। लाइक अगर मान लो कोई एक सॉल्यूशन है वो दो कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है, तो उसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? बाइनरी। नरी वर्ड कंपोनेंट को बताता है और बाई मीन्स होता है टू, ट्राई मीन्स होता है थ्री, फिर वही बात नरी मीन्स कंपोनेंट, क्वाट मीन्स होता है फोर, क्वार्टर मीन्स होता है फोर और नरी मीन्स होता है कंपोनेंट, टेट्रा मीन्स भी फोर होता है। तो जब चार कंपोनेंट से मिलकर के कोई सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो या तो आप उसको क्वार्टेनरी बोल सकते हैं बेटा, या तो आप टेट्रानरी कह सकते हो। तो सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट इस तरीका से आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे फाइव कंपोनेंट हो गया तो पेंटानरी, सिक्स हो गया तो हेक्सानरी, लेकिन उतना जरूरत पड़ता नहीं है। ज्यादातर जो अपने को यूज पढ़ने वाला है वो बाइनरी सॉल्यूशन है। हमारे सिलेबस में जो हमको यूज पड़ेगा बहुत ज्यादा अमाउंट में वो बाइनरी सॉल्यूशन है। आप ये मत समझना कि ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में खाली यूज आने वाला है। आप जब चैप्टर टू ऑफ क्लास 12 दैट इज सॉल्यूशन चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो भी ये सारी चीजें बड़ी काम की है। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही इंपॉर्टेंट मान करके पढ़ो ताकि आपका ये तो क्लियर हो, और बहुत सारा जो पार्ट है ना आपका सॉल्यूशन चैप्टर का जो आप क्लास 12 में जाके फिर से पढ़ोगे वो यहीं क्लियर हो जाए, क्योंकि अपने पास समय बड़ा कम है और उस समय को बड़े स्मार्टली यूटिलाइज अपने को करना है ना बेटा। तो जब अपन सॉल्यूशन वहां पर पढ़ेंगे तो इन सारी चीजों को अपन वापस नहीं रिपीट करेंगे। अगर आपको पढ़ने की आवश्यकता होगी तो आप उस रिकॉर्डेड लेक्चर को ऐप पे वापस से देख लेना, है ना, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, बाइनरी सॉल्यूशन। तो जो बाइनरी सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, वो दो कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, टू कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ होता है। और ये बाइनरी सॉल्यूशन में वो जो दो कंपोनेंट्स होते हैं ना उसका नाम होता है, एक का नाम होता है बेटा सॉल्यूट और एक का नाम होता है सॉल्वेंट। अब सवाल उठता है सॉल्यूट किसको कहते हैं या सॉल्वेंट आप किसको कहेंगे? तो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि ये जो सॉल्यूट वर्ड है ना, या जो ये सॉल्वेंट वर्ड है ना, इसका बहुत अलग अलग तरीका से इसको डिफाइन किया गया है। जैसे एक एक डेफिनेशन में ये भी बोला जाता है कि कोई कंपोनेंट, दो कंपोनेंट है तो एक कंपोनेंट किसी में जाके घुलेगा, डिसॉल्व होगा, तो जिसमें जाके डिसॉल्व होता है वो सॉल्वेंट और जो डिसॉल्व हो रहा है वो सॉल्यूट। फिर किसी ने कहा कि जो सॉल्यूट होता है सॉल्यूशन में वो कंपोनेंट, बाइनरी के लिए मैं बता रहा हूं, दो कंपोनेंट है तो दो कंपोनेंट में वो कंपोनेंट जिसकी मात्रा, जिसकी अमाउंट क्या हो, कम हो, उसे अपन क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे, और जिसका अमाउंट ज्यादा उसको अपन क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि पता है बहुत जगहों पर जाकर के ये कंसेप्ट भी फेल हो जाता है कि आप वहां पर किसको सॉल्यूट डिफाइन करोगे, नहीं बता सकते। मतलब बता तो सकते हो, मतलब वहां पर ऐसा आ जाएगा कि किसी को भी आप सॉल्यूट मान लो या किसी को भी आप सॉल्वेंट मान लो, टेंशन की कोई बात नहीं, वो एग्जांपल भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन जो ज्यादा जोर शोर से यूज होता है, मतलब ज्यादा जगहों पर जो हमारा काम निकाल देता है, जो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि द कॉम्पोनेंट, आज तो राइटिंग वगैरह भी सही है यार, मजेदार नहीं, द कॉम्पोनेंट which is present in less amount, in a solution is called solute, और वहीं more amount या लार्ज अमाउंट में जो प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में उसको अपन क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। अब बहुत बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर सॉल्यूट के लिए लेस बोले कि क्या बोले, मोर बोले, क्या बोले, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूं, ठीक है, कि तुम यहां पर गिनो नंबर को, एक दो तीन चार पांच छह सात, किसका नंबर गिन रहे हो, अल्फाबेट्स का, टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं यहां पर, सात है, तो मतलब देयर आर सेवन अल्फाबेट्स और यहां पर तुम गिनना सिक्स है, तो कौन कम है, छह की सात, तो छह कम है
तो अपन याद रखना कि लेस अमाउंट किसके लिए वर्ड यूज करेंगे, तो ऐसे आप थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हैं चीजों को, इसीलिए मैं थोड़ा सा बता दिया। बाकी अगर आपका डेफिनेशन अच्छा से याद हो जाता तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट, मोर अमाउंट या लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ट्रिक भी मैंने सिखा दिया। ठीक, अब बड़ा ही आसान है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोलूं कि एक सॉल्यूशन है जिसमें 20 ग्राम NaOH है और 100 ग्राम वाटर है, ये एक सॉल्यूशन है। अब अगर आपसे कोई पूछे इसमें सॉल्यूट कौन है या आपसे कोई पूछे इसमें सॉल्वेंट कौन है, तो आप देखो कौन लेस अमाउंट में है, NaOH, तो ये आपका क्या कहलाएगा बोलो, सॉल्यूट। और ये 100 ग्राम क्या कहलाएगा, 100 ग्राम वाला कौन, पानी, ये क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। बेटा ये मास 100 ग्राम सॉल्यूट नहीं कहलाएगा, सॉरी सॉल्वेंट नहीं कहलाएगा, ये वाटर सॉल्वेंट कहलाएगा। ये 20 ग्राम सॉल्यूट नहीं कहलाएगा, ये NaOH को सॉल्यूट कहेंगे। तो यहां पर सॉल्यूट कौन हो गया, जिसका मात्रा कम था, यहां पर लग रहा है। और बहुत जगहों पर ये चीजें लगती है, मतलब बोल दे कि आपको मोर देन 100 या मोर देन 1000 या मोस्ट प्रोबेबली अपन ऐसा कह सकते हैं 98% से ज्यादा जगहों पर ये कंसेप्ट बड़ा ही आसानी से लग जाता है। अब बोलोगे सर कहाँ नहीं लगता ये तो बताइए। चलो ठीक है, अगर मैं आपको ऐसा दे दूं 50 ग्राम ऑफ NaOH प्लस 50 ग्राम ऑफ H2O, अब बताइए कहां पर लगेगा, यहां पर आप किसको सॉल्यूट कहेंगे या यहां पर आप किसको सॉल्वेंट कहेंगे। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहां पर आप किसी को भी सॉल्यूट कह सकते हो और किसी को भी सॉल्वेंट कह सकते हो, किसी को भी सॉल्यूट कह सकते हो और किसी को भी सॉल्वेंट कह सकते हो। कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है, कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि आप पानी को ही सॉल्वेंट कहोगे, कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। क्यों, क्योंकि अब होता क्या है ना, बच्चों के मन में एक लाइन बड़ा जबरदस्त तरीका से बैठा हुआ होता है कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब ये लाइन बैठा हुआ है उसके दिमाग में, अब ये लाइन बैठने के कारण वो हमेशा जहां पानी को देखता वहां सॉल्वेंट लिख देता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जब भी आपके पास कंसेप्ट आए तो आप ये कंसेप्ट लगाना, जो लेस अमाउंट सॉल्यूट, जो मोर अमाउंट सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहीं पर बोलूं कि 150 ग्राम NaOH है और 10 ग्राम पानी है, अब बताओ किसको सॉल्यूट या किसको सॉल्वेंट मानोगे। तो यहां पर सॉल्यूट आपका पानी हो जाएगा और सॉल्वेंट आपका कौन हो जाएगा बोलो, NaOH। सॉल्वेंट आपका NaOH हो गया, यहां सॉल्यूट क्या हो गया, पानी। तो ये बात दिमाग से निकाल दो कि हमेशा पानी को सॉल्वेंट बोलेंगे, नहीं अपन डेफिनेशन को लगाएंगे। और जहां डेफिनेशन फेल हो जाएगा, जैसे यहां पर फेल हो गया, मैं बोला 50 ग्राम NaOH और 50 ग्राम पानी मिला करके एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया गया, किसको सॉल्वेंट बोले या किसको सॉल्यूट बोले, तो मैं बताना चाहूंगा कि आप किसी को भी सॉल्यूट सॉल्वेंट कह सकते हो, किसी को भी कह सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में सॉल्वेंट पानी को ही माना है तब बात कुछ और है। लेकिन आप बोलोगे नहीं, अगर हम किसी के सामने में मान लो वाइवा वगैरह दे रहे हो या किसी को समझा रहे हो, तो अगर आपसे कोई पूछे कि किसको सॉल्वेंट या किसको सॉल्यूट, बोला जिसको मन करे उसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ जनरली लोग पानी को यहां पर सॉल्वेंट मान लेते हैं, कारण क्या है, जब दोनों का ही मात्रा बराबर है तो जनरली अपन वर्ड यूज करते हैं कि हाँ पानी में चीजें घुलती है तो इसीलिए मान लेते हैं। लेकिन कोई भी जरूरी नहीं है ये कि आप सॉल्वेंट इसी को मानो, आप इसको भी मान के काम कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी कि आपका कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसके बेसिस में सॉल्यूशन कितने तरीके के होते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है। बाइनरी सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में है, तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, किस कंपोनेंट को सॉल्यूट कहते हैं और किस कंपोनेंट को सॉल्वेंट कहते हैं, सारी चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। तो आइए अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स का, मतलब हमको जो भी सोचना है वो बाइनरी सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में ही सोचना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन ही है। बोले सर ट्राइनरी क्यों नहीं, अब वो तो भाई सिलेबस बनाने वाला जाने कि क्यों नहीं डाला, डाला होता तो वो भी पढ़ते, लेकिन अभी हम लोगों को किसके बेसिस में पढ़ना है, याद रखिएगा ये कंसंट्रेशन टर्म्स किसके बेसिस में पढ़ना है, BS, BS का मतलब बाइनरी सॉल्यूशन के बेसिस पे पढ़ना है। तो बाइनरी सॉल्यूशन का जहां बात आएगा वहां दो कंपोनेंट्स अपने आप आ जाएंगे, एक होगा सॉल्यूट और दूसरा क्या होगा बेटा, सॉल्वेंट। ठीक, अब ये सारे कंसंट्रेशन टर्म है कि मास परसेंटेज,
क्या होता है। तो मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि सर फॉर्मूला बता दीजिए मास परसेंटेज का, नहीं। आप पूरे मोल कॉन्सेप्ट के इस चैप्टर में देखे होंगे, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाया हूं, और फिर यूनिटरी लगा दो, फिर यूनिटरी लगा दो ना, चीजें अपने आप निकल करके आ जाएगी। क्योंकि जब तक आप स्टेटमेंट को फील नहीं करेंगे, फिर तो आप फॉर्मूला रट लो, क्या होगा मास परसेंटेज का फॉर्मूला, तो आप बोलोगे वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इन 200, यही हो गया डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का परसेंटेज। मैं इस तरीका से नहीं पढ़ाता, ठीक है। ये बढ़िया चीज है अगर आप उसको फॉर्मूला वाइज अगर आप इस तरीके से देख रहे, लेकिन इस तरीके से अपन नहीं देखेंगे। अपन पहले इसका लाइन को समझेंगे। अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि 20% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का परसेंट ऑफ NaOH है, ठीक है, तो इसको आप कैसे रीड करोगे, तो इसको आप बोलोगे 20 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम। ये लाइन आपको आना चाहिए, ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं सारे सवाल इसी लाइन से बनाता हूं, फिर मैं यूनिटरी लगा दूंगा कि 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो आप बोलोगे मान लीजिए सर मैं आपको बोलूं कि परसेंटेज निकालने, कैसे निकालोगे, तो यहां से आप एक बात समझे ना कि 20% आप कब लिखोगे, 20% कब लिखोगे जब 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम NaOH होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि 100 ग्राम NaOH इन 1000 ग्राम सॉल्यूशन, तो बताइए वेट परसेंटेज क्या है, ठीक है। कैसे पढ़ते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, कैसे पढ़ते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, कि कैसे पढ़ना है। तो ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये लाइन आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक है। तो मेरा यहां पर सवाल है कि मान लो आपको दे दे 100 ग्राम NaOH इन 1000 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है, तो आप इसको वेट बाय वेट परसेंटेज इसका निकालिए, कैसे निकालोगे। तो यहां पर क्या है 1000 ग्राम सॉल्यूशन में 100 ग्राम NaOH है, और परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना होगा, हमको 100 ग्राम सॉल्यूशन में देखना होगा कितना ग्राम सॉल्यूट है, तो 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना 100 ग्राम बाय 1000 NaOH, तो 100 ग्राम में कितना, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना, तो 100 बाय 1000 इंटू 100 ग्राम NaOH। तो आप इसको कैंसिल करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 10 ग्राम NaOH। मतलब यहां से हमको क्या कंसेप्ट मिला, यहां से हमको क्या कंसेप्ट सीखने को मिला कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम NaOH, इसको हम कन्वर्ट कर दिए, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम NaOH है, और 100 ग्राम सॉल्यूशन में अगर 10 ग्राम NaOH है तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, यस ऑफ कोर्स इट इज 10%। तो आप बोलोगे सर ये लंबा लग रहा है, सर यूनिटरी मेथड लगा रहे हो, बाई चांस अगर आप फॉर्मूला भूल गए तब क्या करोगे। तो बोलते हो ना केमिस्ट्री में फीलिंग नहीं आता यार, फीलिंग इसलिए नहीं आता है क्योंकि आप सिर्फ फॉर्मूला रटते जाते हो, फील करते ही नहीं हो कि वो क्या बताना चाहता है। ये इस तरीका से बना सकते हो। अब जैसे यूनिटरी में 2-3 स्टेप चला गया, हम तो यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ डायरेक्ट लिख करके आप शायद बना भी लेते, लेकिन फीलिंग नहीं आता। और ये लंबा नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, मैं अगर चाहूं तो इसको सटासट बना दो, जितना देर में तुम फॉर्मूला लिखोगे उतना देर में तो मैं पहुंच जाऊंगा आंसर तक। क्यों, क्योंकि मैं आपको यूनिटरी मेथड मोल कंसेप्ट से सिखा रहा हूं, और मैं आपको एक ही कंसेप्ट सिखा रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि अगर आप, मैंने आपको एक लाइन बोला था कि मुझे खतरा उस चीज से नहीं है जिस चीज को तुमने एक बार प्रैक्टिस किया, उस 10,000 याद है वो क्या बोलते हैं, वो अक्षय कुमार का जो मूवी था उसमें एक लाइन बोलता है कि मुझे खतरा उस चीज से नहीं है जो जिस किक को तुमने एक बार प्रैक्टिस किया, मुझे खतरा उस 10,000 किक से नहीं है जिसको तुमने एक बार प्रैक्टिस किया है, लेकिन मुझे उस किक से खतरा है जिसको तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस किया। तो इसलिए मैं आपको यूनिटरी आपके खून खून में एकदम बहा दूंगा कि यूनिटरी मेथड को आप इतना अच्छा से फील करें ताकि आपके लिए कुछ रहे ही नहीं ये सारी चीजें, है ना बेटा।
मूल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को आप ऐसे ही लगा दो। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था इसको पढ़ने का। तो मेन अब हम लोग को फोकस क्या करना समझ में आ गया कि हमको सिर्फ ये लाइन समझना। अगर ये लाइन समझ में आ गया बाद में तो यूनिटरी लगा देंगे, क्योंकि परसेंटेज पूछा तो 100 ग्राम में देख लो कितना है, चीजें निकल करके आ जाएगी। अब मान लो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज है, इसको कैसे पढ़ेंगे? पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लाइन इंपॉर्टेंट है। वो लाइन क्या होगा? जैसे 20% डब्ल्यू बाई वी परसेंट ऑफ एनी वेच है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 20 ग्राम NaOH is present in 100 ml of solution। बस यहां ग्राम की जगह क्या आ गया? सॉल्यूशन आ गया। तो जब कभी भी आपको वॉल्यूम दे और मास ऑफ द सॉल्यूट दे, तो बस आपको क्या देखना है कि उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना मास है, और जो मास आएगा 100 ml में जो मास आएगा, वही मास आपका क्या बन जाएगा? परसेंटेज। वही मास आपका क्या बन जाएगा? परसेंटेज बन जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट, और कौन कौन सा टर्म्स है। इन सारे टर्म्स को आप लिखिए, और इस लाइन को कम से कम 10 times लिखिए कॉपी में, ताकि ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाए, है ना। आगे देखते हैं बेटा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या बताता है? ये जनरली आपका गैसेस के लिए अप्लाई होता है, जनरली मैं बोल रहा हूँ गैसेस के लिए अप्लाई होता है। ऐसे आप चाहो तो लिक्विड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जनरली इसका यूज गैसेस के केस में किया जाता है। तो मान लो 20% वी बाई वी परसेंट ऑफ O2 इन एयर दे दिया, तो इसका क्या मतलब निकल सकता है? इसका मतलब ये निकलेगा कि 20 ml ऑफ O2 इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर सॉल्यूशन क्या है? एयर। यहां एयर क्या है? सॉल्यूशन है। किसका? गैसेस का, ठीक है। तो गैसेस का सॉल्यूशन है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 20 ml ऑफ O2 इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ एयर, ठीक है बेटा। तो ये आपको चीजें आनी चाहिए। फिर आपसे पूछेगा, फिर यही बात है कि आपको गैसेस दे दिया फिर वॉल्यूम दे दिया, तो आपको क्या करना है? उस 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में निकाल लेना कितना वॉल्यूम है, ठीक है, सॉल्यूट का। तो जो 100 ml में आपका वॉल्यूम निकल के आएगा सॉल्यूट का, वही वॉल्यूम में जो ml लिखा हुआ होगा उसको हटा देना, परसेंटेज बैठा देना। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब फिर सवाल है कि इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है क्या? ये लाइन आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये लाइंस आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। यहां पर क्या कंसेप्ट निकल के आया? 20 ml ऑफ सॉल्यूट। यहां पर सॉल्यूट कौन है? हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, O2 इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, और यहां सॉल्यूशन कौन है बेटा? एयर है। तो ये लाइन आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। ये रट्टा नहीं कि फॉर्मूला लिखा दीजिए सर रट लेंगे, वो नहीं, रटना तो है ही नहीं। 40 ग्राम पर लीटर NaOH। अब ये भी एक तरीका का कंसंट्रेशन टर्म है, इसको कैसे पढ़ेंगे? 40 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 1 liter या फिर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। याद करूं, मैंने अभी एक कंसेप्ट लिखा था W by V परसेंट, और इसमें क्या अंतर है? What is the difference between these two? Difference क्या है? यहां पर भी आप देखते हो ग्राम में सॉल्यूट का वेट को, लेकिन सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम रहता है वो किसमें रहता है? ml में रहता है। लेकिन यहां पर क्या हो जा रहा है? सॉल्यूट का वेट तो ग्राम में है, लेकिन जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है बेटा? लीटर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो बस इस लाइन का इसका मतलब समझो कि 40 ग्राम पर लीटर का क्या मतलब है। तो जब भी आपको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करने देगा, तो आप हमेशा किसके रिस्पेक्ट में देखोगे? आप हमेशा 1 liter के रिस्पेक्ट में देखोगे, या फिर आप देखोगे कि 1000 ml में, मैं फिर से बोल रहा हूं 1000 ml में कितना वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। दैट्स इट, 1000 ml में कितना वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी यहां पर, ठीक है। मैं फिर से लिख दे रहा हूं, या हिंदी में लिख दे रहा हूं कि 1000 ml सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। आइए देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म क्या है? पार्ट्स पर मिलियन।
अब ये पार्ट्स पर मिलियन क्या है? सबसे पहले ये समझो कि मिलियन किसको कहते हैं। 1 मिलियन इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 to the power 6। अब ये क्या बताने चाह रहा है, ये क्या चीज को समझाना चाह रहा है? देखो फॉर्मूला वाइज रटना नहीं, फिर मैं बोल रहा हूँ इस लाइन को याद रखना है जो मैं लिख रहा हूँ हर एक के साथ, और वो तभी आपको याद होगी जब आप इसको एटलीस्ट 10 टाइम्स लिखोगे। आप अपना भी मेहनत करोगे, जब आप 10 टाइम्स लिख लोगे ना तो चीजें अपने आप आपको याद हो जाएगी। गलती कहाँ पर होती है? लोग क्वेश्चन बनाते हैं फिर सोचते हैं हम फॉर्मूला याद कर लेंगे। नहीं, पहले आप लाइन को लिखिए 10 बार और फिर क्वेश्चन को लगाइए, तब उसमें आपको फील आएगा क्वेश्चन बनाने में। तो आइए देखते हैं 200 ppm CaCO3 NH2O का क्या मतलब निकल के आता है, ये क्या समझाना चाहता है। ये बताता है कि 200 ग्राम ऑफ CaCO3 इज प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ H2O। क्या बताता है? 200 ग्राम ऑफ CaCO3 इज प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ H2O। H2O नहीं, सॉरी, यहां सॉल्यूशन होगा, बाय मिस्टेक सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन क्या चीज से बना हुआ होगा? ये सॉल्यूशन CaCO3 एंड ऑफ कोर्स H2O से बना हुआ होगा। लेकिन ये जो 10 to the power 6 ग्राम है ये किसका है? सॉल्यूशन का है। तो जब भी आप किसी का वेट 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में देखोगे, then it is known as parts per million। अब ये कुछ कुछ वेट बाय वेट परसेंट के जैसा है, लेकिन वेट बाय वेट परसेंट में क्या डिफरेंस है? आप वहां पर भी वेट ऑफ द सॉल्यूट देख रहे थे इन ग्राम में, लेकिन जो सॉल्यूशन का वेट था जिसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे थे कि इतना ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट होगा, तो वो जो वेट ऑफ सॉल्यूशन था वो 100 ग्राम था, और यहां पर पार्ट्स पर मिलियन में कितना है? 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट है। तो यहां पर जो आप देखोगे वो 10 to the power 6 ग्राम के हिसाब से देखोगे। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट्स पर मिलियन का संबंध। लेकिन ये जो अपन कंसेप्ट बताए ना कि आप ग्राम को ग्राम में देख रहे हो, मतलब वेट को वेट के हिसाब से देख रहे हो, तो दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर्स। सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर मतलब सॉलिड सॉलिड मिक्सचर या सॉलिड लिक्विड मिक्सचर या लिक्विड लिक्विड मिक्सचर्स के लिए ये लाइन एप्लीकेबल है। लेकिन अगर हम बात करें गैसेस मिक्सचर के लिए ये लाइन एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन फिर अगर आप किताब पढ़ोगे तो फिर आप गलती करोगे। कहां? अब किताब में तो लिखा हुआ है वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 10 to the power 6। तो ये तो सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? सॉलिड सॉल्यूट सॉल्यूशन के लिए, सॉलिड सॉल्यूट सॉल्यूशन के लिए। अब उसे ये फॉर्मूला कैसे आया ये ppm का? इसी से तो आया, यूनिटरी मेथड। ये यूनिटरी मेथड ही लगाओ ना, क्यों रटना है? आप 12 फॉर्मूला रटोगे, ये लाइन को समझ लो ना, हर जगह तो एक ही टाइप का है, खाली क्या बदल रहा है? कहीं 10 to the power 6 ग्राम सॉल्यूशन हो जा रहा है, कहीं 100 ग्राम हो जा रहा है। तो जहां 10 to the power 6 है वहां हिंट तुमको मिल जा रहा है कि यहां मिलियन है, तो 10 to the power 6 होगा, तो कोई रटने वाली बात नहीं है। अब बोलो ये फॉर्मूला कैसे लाए? तो आप बताओ, आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है, वेट ऑफ सॉल्यूट पता है, तो आपको क्या करना? ppm में बदलना। तो ppm में कब बदलेगा? जब आप 10 to the power 6 ग्राम सॉल्यूशन में वेट को देखोगे। किसका? सॉल्यूट का। तो आपको पता है कि गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया हुआ है, सॉरी फिर से मैं सॉल्वेंट बोल रहा हूं, इट्स माई मिस्टेक, वेट ऑफ सॉल्यूशन में w ग्राम सॉल्यूशन का मिक्सचर है, उसमें w डैश ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो कैसे निकालोगे? 1 ग्राम सॉल्यूशन में w ग्राम सॉल्यूट डैश डिवाइडेड बाय w ग्राम सॉल्यूशन, और 10 to the power 6 ग्राम में आपको देखना है 10 to the power 6 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का वेट होगा, तो कैसे निकालोगे? इनटू 10 to the power 6। क्या किए? वही यूनिटरी तो लगा रहे हैं बार बार। तो मेरे लेक्चर्स में मैंने यूनिटरी को बहुत गजब तरीका से यूज किया, और क्यों यूज किया? क्योंकि आप, मैंने आपको पहली क्लास में बता दी कि हर जगह आप लगाते हो, तो आप इसको 10,000 बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। इंस्टेड ऑफ दैट आप फॉर्मूला लिखोगे, आप उसको 50 बार लिखोगे और फिर भी याद नहीं हुआ, तो कहीं 10 to the power 6 की जगह 10 to the power 4 कर दिए तो फंस जाओगे। तो ये है पूरा ppm का कंसेप्ट फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। लेकिन याद रखने वाले पॉइंट्स क्या हैं? याद रखने वाला लाइन जो है वो ये है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो एक और बात, हो सकता है कहीं पर पार्ट्स पर बिलियन निकालने दे दे,
तो जो रटा हुआ रहेगा उसको तो बस फॉर्मूला याद है, फिर वो बोलेगा पार्ट्स पर बिलियन का फिर से फॉर्मूला बताइए, तो इसमें रटने की कोई बात ही नहीं है। पार्ट्स पर बिलियन दे देता, मान लो यहां पर लिख देता 200 ppb, तब क्या बोलते हैं इसको? अब यहां बिलियन हो गया, तो बिलियन में बस इतना पता होना चाहिए कि 10^9 होता, 1 billion = 10^9, 10^9 है 1 billion, तो आप इसको कैसे लिखते हैं? 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10^9 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, बस। इसके बाद तो आप कुछ भी रिलेशन बना सकते हो, कुछ भी किसी भी चीज के लिए निकाल सकते हो, बस आपको ये लाइन पता होना चाहिए, बाकी फिर यूनिटरी लगाना, फिर यूनिटरी लगाना है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो पार्ट्स पर मिलियन को किस तरीका से अपन यूज करते हैं। नेक्स्ट, फिर से पार्ट्स पर मिलियन ही देखेंगे, लेकिन अब फॉर अ गैसियस मिक्सचर देखेंगे कि गैसियस मिक्सचर के लिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे। मैंने कह दिया गैसियस मिक्सचर हमेशा क्या चीज से रिलेट करेगा? वॉल्यूम। और आप इस चीज को बहुत दिन से देखते आ रहे हो, मोल कॉन्सेप्ट में भी मैंने वो जो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट था मोल निकालने के लिए, वो किसके लिए लगा रहा था? गैसेस के लिए लगा रहा था। तो यहां पर भी गैसेस मिक्सचर के लिए ये जो ppm तो लिख दिया, लेकिन अब इसको रिलेट कैसे करेंगे? अब इसको रिलेट करेंगे वॉल्यूम से। क्या बोलोगे? 200 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन डाइऑक्साइड है क्या? सॉल्यूट ही तो है, इज प्रेजेंट इन, अब यहां मिलियन है, क्या हो जाएगा? 10^6 ग्राम था, यहां 10^6 ml सॉल्यूशन। अब यहां सॉल्यूशन कौन है? एयर है, ये लाइन ध्यान रखना होगा। अब मैं आपको एक हिंट देता हूं, एक चीजों को याद करने का भी हिंट दे रहा हूं, ठीक है? जो भी ग्राम दिया हुआ वो सॉल्यूट का होगा, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो यहां पर वॉल्यूम ml आ जाएगा, और यहां पर देखना जहां जहां ग्राम है ना, और जब वो वॉल्यूम का कंसेप्ट को लेकर के आता तो ml ही आता साथ में। जहां जहां ग्राम है वहां बगल में जब भी वॉल्यूम का कंसेप्ट आएगा या मास का कंसेप्ट आएगा, यहाँ ग्राम है तो ग्राम है, या ग्राम है तो यहाँ ml है, यहाँ ml है तो ml है, कहीं kg कहीं लीटर नहीं आ रहा, अनलेस एंड अंटिल जहां पर मेंशन नहीं है। जैसे ग्राम पर लीटर में मेंशनड है ऑलरेडी, 1 लीटर मतलब कितना ग्राम इन 1 लीटर, वहां मेंशनड है ऑलरेडी, ठीक है? तो वहां की बात अलग है, चाहो तो उसको भी ml में बदल सकते हो, 1000 ml, और फिर लाइन लिखो 40 g/L, मींस 40 g ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? तो ये लाइंस आपको बड़े क्लियर होने चाहिए, ये लाइंस के थ्रू आप बहुत सारे सवाल निकाल के ले जाओगे, ठीक है? कैसे पढ़ते हैं अपन देख चुके हैं, आगे देखते हैं मोलैरिटी। अब ये बड़ा बढ़िया चीज है, नहीं मोलैरिटी आप बचपन में भी पढ़ोगे, क्लास 9 में भी पढ़ोगे, और जब क्लास 9 में आपने मोलैरिटी को पढ़ा था तो आप मोलैरिटी में देखोगे फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला क्या था, मैं लिखता हूं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और यह ml होगा तो यहां 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक? अब फिर तुम फॉर्मूला रट रहे हो यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइन समझो तो फील आएगा सब्जेक्ट में। ये 2MnaOH क्या बताता है, ये क्या चीज को बता रहा है, सुनना, 2MnaOH क्या चीज का, NaOH का थोड़ी है 2M, सॉल्यूशन NaOH सॉल्यूशन का 2M है। अब ये क्या बताना चाह रहा है, ये क्या लाइन को बता रहा है, क्या समझाना चाह रहा है आपको, ये डेटा क्या बता रहा है वो समझो, फील करो, क्या बताना चाह रहा है? 2 moles ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 1 liter, 1 liter ऑफ इट्स सॉल्यूशन। अब ये 1 liter को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम एक और तरीका से लिख सकते हैं, अगर ml में है, मान लो लीटर में दिया हुआ है डेटा, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ml में है तो क्या लिखेंगे? 2 moles ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन। अब देखना एक बहुत मजेदार चीज आपको सिखाऊंगा मैं यहां पर, ठीक है? बहुत सारी चीजें निकालना सिखाऊंगा एक इस डेटा से, सिर्फ ये डेटा अगर आपको दे दिया तो आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो, ठीक है? क्या क्या निकाल सकते हो और देखिए, तो यहां से सबसे पहले आप क्या निकाल सकते हो, मतलब अभी जो अपने कंसंट्रेशन था हम देखा W/W, W/V है ना, ये सारी चीजों को अपन यहां से निकालेंगे एक वन बाय वन करके, ठीक है? तो
पहले यहां पर देखो, ये 2 moles ऑफ NaOH की जगह पे क्या लिख सकते हो, 2 × 40 ग्राम आ गया होगा समझ में कैसे लिखा, अगर आपने मोल्स का यूनिटरी अच्छा से पढ़ा तो। देख रहा मैं कैसे तुरंत सटाक देने से बिना फॉर्मूला लगाए ही निकाल दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे लाइन पता है 1 मोल में कितना इसका मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम के बराबर होगा। तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम क्या हो जाएगा, 23 + 16 + 1 ग्राम, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं 1 मोल में 40 ग्राम, तो 2 मोल में कितना, 2 × 40 मतलब कितना, 80 ग्राम। तो हम इसको ऐसे भी लाइन को पढ़ सकते हैं, 80 ग्राम इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ इट सॉल्यूशन, या 80 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, यही डाटा दिया हुआ है आपको। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बात बताओ, W/V परसेंटेज निकाल सकते हैं, तो बोलना यस आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, W/V परसेंटेज का क्या कंसेप्ट है, W ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट, मान लो आपको कोई दे दिया W/V परसेंटेज में, तो आप वहां पर क्या देखते हो, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम आप किस में देखते हो, ml में। मतलब अगर किसी का W/V परसेंटेज अगर आपको 10% दिया हो, इसका क्या मतलब है कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml, 100 ml में आप देखते हो, तो 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो यहां पर आपको क्या दे रखा है, 1000 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम प्रेजेंट है, 80, 1000 में कितना, 80, तो बताओ 100 में कितना, तो 80/1000 × 100, काटो काटो काटो, बन गया 8%। आया बात समझ में, कैसे बनाना है। तो यहां से W/V परसेंटेज निकल गया। अब बोल के सर W/W परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो W/W के लिए क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूशन का कहीं पर भी दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, अगर डेटा में एक और चीज मेंशनड होता, इस डेटा में अगर एक और चीज मेंशनड होता, क्या ये नजर आ रहा है आपको, ये नजर आ रहा है, अगर इसमें एक और चीज मेंशनड होता, क्या पता है, रो ऑफ द सॉल्यूशन, तो आप और भी चीजों को निकाल पाते, तो रो ऑफ द सॉल्यूशन भी दिया हुआ होगा, तभी आप वेट ऑफ द सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको यहां पर जो पता है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन पता है, वेट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आपको अगर वेट तक पहुंचना है, वेट बाय वेट परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रो ऑफ सॉल्यूशन पता होना चाहिए, तो वो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो मान लीजिए रो ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ 2 ग्राम पर ml, मान लीजिए दे दिया क्वेश्चन में, दिया हुआ है, तो आप और भी चीजों को निकाल सकते हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं और चीजों को कैसे अपन निकालेंगे। तो एक तो W/W परसेंटेज निकालना सीख लिए मोलैरिटी से, दूसरा ग्राम पर लीटर वाला भी तो निकल सकता है, ग्राम पर लीटर कैसे निकालेंगे, ग्राम पर लीटर ही कहता है कि 80 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये ऑलरेडी तुमको क्या चीज दे रहा है, यही ग्राम पर लीटर भी है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 80 ग्राम पर लीटर, ये आपका निकल गया ग्राम पर लीटर का वैल्यू कंसंट्रेशन टर्म का। आइए तीसरा चीज देखते हैं, W/W परसेंटेज, उसके लिए क्या चाहिए हमको, वेट ऑफ सॉल्यूशन, और आपको क्या दे दिया है, रो ऑफ सॉल्यूशन। तो रो ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1000 ml है। अब ml क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ग्राम पर ml में दिया हुआ है रो का वैल्यू, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 ग्राम पर ml इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 1000 ml। तो यहां से क्या निकल के आया बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 2000 ग्राम। अब यहां से वेट ऑफ सॉल्यूशन भी निकल गया, तो आप आराम से W/W भी निकाल सकते हो। कैसे, W/W हम लोग किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में देखते हैं। तो यहां पर आपका क्या निकला कि 80 ग्राम प्रेजेंट है किसमें, 2000 ग्राम सॉल्यूशन में। तो 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट होगा, 80/2000। तो बताओ 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट होगा, तो 80/2000 × 100 सॉल्व करो, आंसर पहुंच जाओगे, आंसर आएगा 4% वेट बाई वेट परसेंट, ठीक। अब लोग सर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम नहीं निकाल सकते क्या, अब बताओ यार NaOH तो तुम्हारा गैस नहीं है ना, तो तुम वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कैसे निकालोगे, NaOH तो सॉलिड है, आप यहां वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी सारा हम लोग निकाल ही लिए, एक और बच रहा है, वो है पार्ट्स पर मिलियन, उसको यहां बनाऊं, यहां पर बनाता हूं, ठीक है। ये इसी कंसेप्ट पे जाएगा आगे, इसीलिए मैं यहीं पर बना दे रहा हूं,
यहां पर ये डब्ल्यू बाई डब्ल्यू वेट का परसेंटेज का कंसेप्ट आ गया। अब यहां से अगर हमको पीपीएम की तरफ मोड़ करके लेके जाना है इस क्वेश्चन को, तो कैसे लेके जाएंगे, एक ग्राम में 80/2000, तो ppm में क्या होता था 10^6 ग्राम, और सॉल्यूशन में देखना है तो 10^6 ग्राम सॉल्यूशन में 80/2000 इंटू 10^6 हो जाएगा। तो आंसर जो है वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये 3 हो गया, ये हो गया 40, ये हो जाएगा 4 × 10^4 ppm। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी और आप ये भी समझ पाए होंगे कि सिर्फ एक मोलैरिटी का डेटा दिया हुआ है और साथ में अगर रो दे दे तो आप बहुत सारी अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स में चीजों को बदल सकते हो, लेकिन आपको वो लाइंस याद होनी चाहिए और यूनिट्री आना चाहिए, बस ये दो चीजें बोलते हैं। लाइन को फील करो, डेटा क्या बताना चाहता उसको फील करो, और साथ में आप यूनिट्री को लगाओ, चीजें आसान हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट मोलैलिटी। अब सवाल उठता है फिर कि इस मोलैलिटी को कैसे पढ़ते हैं, तो मोलैलिटी को पढ़ने का तरीका है क्या, 2mNaOH को कैसे पढ़ोगे, यहां स्मॉल m है, ध्यान से देखना, मोलैलिटी को स्मॉल m से दिखलाते हैं और मोलैलिटी को कैपिटल m से दिखलाते हैं, यहां तो 2mNaOH लिखा हुआ, ये क्या बताता है, ये बताता है 2 moles सॉल्यूशन होगा, यहां पर भी 2 moles ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यहां पर यह लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं, ऑफ सॉल्वेंट, 2 moles ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब अगर इस मोल्स को अगर हम लोग ग्राम में बदले तो क्या लिख सकते हैं, 80 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब यहां पर भी अगर एक डेटा आपको साथ में मिल जाए फ्री में, वो है रो ऑफ सॉल्यूशन, तो फिर तो आप धमाल मचा दोगे, फिर तो कोई रुकने वाला है नहीं भाई, धमाल मचाओगे, और रो ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, 2 ग्राम पर ml, यहां पर भी ले लो, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। तो अपन यहां पर क्या करेंगे, 80 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, अब अपन यहां से क्या निकाल सकते हैं, ये तो वेट ऑफ सॉल्यूट पता चल गया और ये आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट पता ही है, और सॉल्यूशन का अगर आपको वेट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट, तो क्या दे देगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ दिए तो वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन यहां पर दो ही कंपोनेंट से बना हुआ है, वो है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। तो अब यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या निकल के आ जाएगा, 1080 ग्राम, यह आ गया वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहां पर आप और क्या क्या निकाल सकते हो, अब यहां से आपको अगर मैं पूछूं कि बताओ डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज निकाल सकते हो, बोलना यस, कैसे, 80 ग्राम प्रेजेंट इन 1080 ग्राम, तो 1 ग्राम 80/1080, तो 100 ग्राम में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, तो 100/1080 × 100 सॉल्व कर लो, W/W परसेंटेज निकल गया। ठीक उसी तरीका से अगर मैं पूछूं ppm निकाल लोगे तो बोलेंगे हाँ आराम से, ये स्टेप यहां से डायरेक्ट ले लेते हैं, तो 1 ग्राम में कितना है, 80/1080 ग्राम, ये सॉल्यूशन में और ये सॉल्यूट का, तो 10^6 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा, 80/1080 × 10^6 ग्राम सॉल्यूट होगा, सॉल्व कर लेना और इस ग्राम सॉल्यूट को हटा करके क्या लगा देना, ppm, बन गया ppm का भी आंसर। देख रहे हो सिर्फ यूनिट्री लगा रहे हैं और कुछ नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, तो यहां से ppm भी निकालना सीख लिया। अब वेट वही वॉल्यूम निकालना है, तो उसके लिए पहले वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम कैसे निकालोगे, रो ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू m ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या आ गया, वेट बाय सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय रो ऑफ सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ द सॉल्यूशन आप क्या निकाल लियो, 1080 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, 2 ग्राम पर ml, यहां पर लगा दो और आंसर को ला दो, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, 540
ml, यहां से वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन भी आपका निकल गया। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन अगर आपका निकल गया है तो आप बताइए और क्या क्या निकाल सकते हैं। w बाई वी परसेंटेज नहीं निकाल सकते? कैसे कैसे निकालोगे w बाई वी परसेंटेज, जल्दी से बताओ w बाई वी परसेंटेज कैसे निकालोगे, w बाई वी परसेंटेज का क्या कंसेप्ट है? तो यहां पर 540 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना ग्राम प्रेजेंट है? 80 ग्राम। तो 80 ग्राम इज प्रेजेंट इन 540 ml, तो 1 ml में कितना ग्राम सॉल्यूट? 80 ग्राम बाई 540, तो 100 ml में कितना? 100 ml में बेटा 80 ग्राम बाई 540 इंटू 100, ये जो आया तुम्हारा वैल्यू, ये क्या आ गया W बाई वी परसेंटेज। ये ग्राम सॉल्यूट को हटा देना और लास्ट में क्या लगा देना, लास्ट में परसेंटेज लगा देना और बगल में लिख देना W बाई वी परसेंटेज। क्या हम इससे मोलारिटी निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स। कैसे? अब 80 ग्राम बराबर 2 मोल और मोलारिटी में रिलेशन किसका है? मोल और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन का क्या रिलेशन है? मोल और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन का क्या रिलेशन है? एन मोल्स प्रेजेंट इन 1000 ml of solution, तो हमको 1000 ml of solution में देखना है कितना moles है, वही मेरा molarity होगा। तो यहां पर देखो, यहां 2 moles है, कितना में? 540 ml में, तो 1000 ml में कितना होगा? 1000 ml में कितना होगा बोलो? 1000 ml में कितना होने वाला है? 2 by 540 into 1000, इतना मोल्स होगा, इतना मोल्स होगा। तो 1000 ml में जो मोल्स का वैल्यू आता है वही तो है मोलैरिटी। तो यही तो होगी आपका मोलैरिटी, खाली m लगा देना, खाली m लगा देना, हो गया, ये आपका मोलैरिटी का वैल्यू आ गया। तो 1000 ml में जितना मोल्स होता है उसी को तो आप मोलैरिटी कहते हो। 2m को क्या लिखते हो? 2 मोल्स ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 1000 ml, तो हम बोलेंगे 2 by 540 into 1000 moles of NaOH is present in 1000 ml of solution. तो आपका molarity क्या हो जाएगा? यही moles तो हो गया, बस last में क्या लिख देना? Unit, capital M. आ रही है बात समझ में? चीजें कितनी आसान है अगर आप basics आपका clear है तो, फंडा clear होना चाहिए हर एक चीज का। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन, ये भी एक कंसेंट्रेशन टर्म है। अब ये मोल फ्रैक्शन का नाम से ही क्लियर है कि आप फ्रैक्शन निकाल रहे हो, और फ्रैक्शन हमेशा कैसे निकालते हो? आप किसी के रिस्पेक्ट में निकालते हो। तो जब भी आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो वो किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे? वन के रिस्पेक्ट में निकालोगे। किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे? वन के रिस्पेक्ट में निकालोगे, ठीक है। तो यहां पर 0.2 मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इन H2O, कहने का मतलब क्या है कि 0.2 मोल्स CO2 is present in 1 mole of solution. अब ये solution क्या चीज से मिलकर के बना हुआ होगा? CO2 plus H2O से मिलकर के बना हुआ होगा। आप इसको क्या लिख सकते हो? 0.2 mole fraction of CO2 in H2O, कहने का मतलब क्या? CO2 in H2O कहने का मतलब ये solution को बता रहा है, और उस इस solution के 1 mole में कितना है CO2? सिर्फ 0.2 मोल्स है। तो अगर हम पूछे यहां पर वाटर कितना है सॉल्यूशन में, तो अपन यहां पर एक चीज और निकाल सकते हैं, वाटर का मोल्स। तो मोल्स ऑफ H2O कितना हो गया? 0.8, क्योंकि एक मोल तो सॉल्यूशन का है। अब उस एक मोल में 0.2 मोल अगर CO2 है तो जो बाकी बचा हुआ होगा वो कौन होगा? वो वाटर होगा। तो यहां पर वाटर का मोल्स कितना निकल गया? 0.8 मोल्स ऑफ H2O इज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। फिर सॉल्यूशन कौन है? यही CO2 प्लस H2O का है। तो आप इसको कैसे निकाल रहे हो? अगर आप ध्यान से देखो तो ये 0.2 मोल फ्रैक्शन है, तो अगर हम लिखे काई ऑफ CO2 तो आप क्या लिखते हो? 0.2। और ये 0.2 कैसे निकाला जाता है? ये मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो? 1 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, मतलब ये 1 के रिस्पेक्ट में है। और ये 1 कैसे आ रहा है? ये 1 सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मोल्स को एड करके यहां पर लिखोगे 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 0.2 क्या है? मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ H2O। देखो
तभी तो वन बनेगा, वन मोल कैसे बनेगा, 0.8 मोल्स ऑफ H2O प्लस 0.2 मोल ऑफ CO2, ये क्या दे दिया, काई ऑफ CO2। तो यहां से हम क्या सीखे कि मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर ऐसा करते हो तो ये क्या देगा, काई ऑफ सॉल्यूट। इसको काई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको चाय भी बहुत जन पढ़ता है, चाय मतलब चाय पीने वाला नहीं है, काई पढ़ते हैं इसको, क्या बोलते हैं, काई। ठीक है, तो अगर मैं पूछूंगा काई ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, तो सॉल्यूट निकालना था तो उसका मोल्स को ऊपर लिखे थे, अब जब सॉल्वेंट का काई निकालना है तो ऊपर में मोल्स किसका लिखेंगे बेटा, सॉल्वेंट का लिखेंगे, डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इस तरीके से अपन मोल फ्रैक्शन भी एक कंसंट्रेशन टर्म देख लिए, है ना बेटा। तो हमने बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स को देखा है, तो देखने के बाद अब सीधी सी बात है, जब बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स को अपन ने देख लिया तो सवाल बनाते हैं, और एक क्वेश्चन में ही अपन सारे जितने भी पढ़े हैं ना उन सारी चीजों को यूज में ले आएंगे, सारी चीजों को। हमने डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज पढ़ा, डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज पढ़ा, ग्राम पर लीटर पढ़ा, पीपीएम पढ़ा, मोलैलिटी पढ़ा, मोल फ्रैक्शन पढ़ा, मोलैरिटी पढ़ा, इन सब चीज को पढ़ चुके हैं हम। तो अब इनसे अब समय आता है कि इन सब चीज को रिलेट करके एक सवाल बनाया जाए ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और वही यूनिटरी मेथड को यूज करेंगे। बस आपको लाइंस पता होना चाहिए वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल अपन इसको इनिशिएट करते हैं, यहाँ सबसे पहले इसको तीन पार्ट में बांट लेते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 6 क्वेश्चंस का आंसर आपको निकालना है। तो यहां पर आपको दिया हुआ 1 1 M C6H12O6, ये कैपिटल M क्या चीज को दिखलाता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, मोलैरिटी को दिखलाता है, सॉल्यूशन हैज दी डेंसिटी इतना, तो आपको मोलैरिटी भी पता है और डेंसिटी ऑफ दी सॉल्यूशन भी पता है। ठीक है बेटा, तो इसको अपन पहले क्या लिखेंगे, पहले ये समझो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 moles of C6H12O6 इज प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, या फिर 1 liter ऑफ सॉल्यूशन, बोलो कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब इसको ml में क्यों बदल लिया, हमको डेंसिटी ग्राम पर ml में नजर आ रहा है इसलिए ml में बदल लो, तो आगे भी चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, तो 1 mole of C6H12O6 इज प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका अगर आप मॉलिकुलर मास निकालेंगे इन ग्राम तो वो क्या निकल के आएगा, 180 ग्राम आएगा। तो 1 mole of C6H12O6 में कितना ग्राम होता है C6H12O6 का, उसी का मॉलिकुलर मास के बराबर होगा लेकिन इन ग्राम्स। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 180 ग्राम ऑफ C6H12O6 इज प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां से बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स निकल करके आएंगे। ठीक है, आपको वेट ऑफ द सॉल्यूट पता चल गया है, हाँ या ना। अब यहां पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन पता, अगर हम वेट ऑफ द सॉल्यूशन निकाल ले तो बड़ा आसानी से आगे खेल खेल सकते हैं। तो वेट ऑफ द सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, यहां डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन बराबर क्या होता है बच्चों, जल्दी से बताओ, यहां पर क्या होगा बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, 1.08, ठीक है, इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई 1000 ml, और ये ग्राम पर ml में है ही, तो यहाँ ml ml कैंसिल बच जाएगा ग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन जो आपको निकल करके आएगा क्या आएगा, 1080 ग्राम। अब मेरे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन भी है, वेट ऑफ सॉल्यूट भी है, चाहो तो वेट ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, सॉल्वेंट में सॉल्यूट का वेट को माइनस कर दो, तो ये है सॉल्यूशन का वेट, माइनस कर दो सॉल्यूट का वेट, कितना आ जाएगा, 900 ग्राम, खत्म। ये सारी चीजें आपके पास डेटा आ गई निकल करके। अब ये डेटा क्यों निकाले, क्योंकि हमको वेट ऑफ द सॉल्वेंट कहाँ यूज पड़ने वाला है, मोलैलिटी में, वेट ऑफ द सॉल्यूशन कहाँ जरूरत पड़ेगा, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू में भी और पीपीएम में भी, इसलिए इन सारे डेटा को हमने निकाला। अब एक एक करके सारा क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक, अब इन सारे क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज का बेसिक स्टेटमेंट क्या है, बेसिक स्टेटमेंट है आपको वेट ऑफ द सॉल्यूट देखना है किसमें, 100 ग्राम्स में, तो यहां पर कितना सॉल्यूट है और कितने ग्राम सॉल्यूशन में है, तो यहां पर है 180 ग्राम ऑफ C6H12O6 इन, इन के जगह इक्वल्स टू लिख दिया, इन
1080 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, बोलो कोई दिक्कत की बात है? नहीं। और ये कहां से लिखोगे? पहला लाइन हमेशा क्वेश्चन के हिसाब से लिखेंगे। अब उसके आगे चीजों को हम लोग क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे, और इस 1080 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के जगह 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में देखेंगे कितना ग्राम सॉल्यूट का प्रेजेंट है। तो 1 ग्राम सॉल्यूशन में 180/1080 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। यही तो है सॉल्यूट, यही तो है बेटा सॉल्यूट। तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 180/1080 इंटू 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट होगा 50/3 ग्राम ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तो ये जो ग्राम ऑफ सॉल्यूट है इसको हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50/3% ही तुम्हारा क्या है, W/W%। बोलो कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, W/V%। तो यहां पर देखो 180 ग्राम 1000 ml में, तो हम इसको शॉर्ट में बनाते जाएंगे, 180 ग्राम 1000 ml सॉल्यूशन में, ठीक। तो 100 ml में कितना होगा, अब आप इतना यूनिटरी मेथड तो सीख ही गए हो, हम डायरेक्ट कर रहे हैं 180/1000 इंटू 100, कैंसिल करो, आंसर आ गया 18 ग्राम। तो 18 ग्राम ऑफ सॉल्यूट के जगह पर क्या लिखोगे, 18%, लेकिन बगल में क्या होगा, W/V, ठीक। तो आपका ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब ग्राम पर लीटर देखना है, तो ये ऑलरेडी जो मोलैरिटी होता है ये कहीं ना कहीं ग्राम पर लीटर को डायरेक्ट बताने का काम करता है। ये जो लाइन है, ये जो अगर लाइन आप देख रहे हो तो यही तो है ग्राम पर लीटर। तो 180 ग्राम ऑफ C6H12O6 इज प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, यही तो लिखे थे ग्राम पर लीटर में। 1000 ml में जितना ग्राम होगा सॉल्यूट का वही उसका ग्राम पर लीटर हो जाएगा। तो यहां पर ये दूसरा का आंसर निकला, ये पहले का निकला, अब अपन देखेंगे तीसरे का। तो तीसरे का डायरेक्ट ही आंसर आ गया क्या, 180 ग्राम पर लीटर, खत्म। नेक्स्ट अगर अपन देखें चौथा, दैट इज ppm, तो हम ये W/W को डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। एक ग्राम में कितना है, 180/1080 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है। एक ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना है, 180/1080 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है। तो 10^6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना होगा, 180/1080 इंटू 10^6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। फिर मैं वही कहूंगा, जहां ये ग्राम ऑफ सॉल्यूट है इसको हटा के क्या लिख देना, ppm, बन गया चौथा। आइए बात करें मोलैलिटी का, लेकिन मोलैलिटी से पहले हम कुछ चीजें आपको और दिखाना चाहते हैं, ठीक है। यहां पर ये जो अपन ने मोलैलिटी पढ़ा था ना, इस मोलैलिटी का एक फॉर्मूला यहां से आप जनरेट कर सकते हैं, 2 moles in 1000 gram ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहां पर आप एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। जैसे मोलैरिटी का बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वैसे ये केजी होगा, ग्राम होगा, तो ऊपर 1000 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई। लेकिन फॉर्मूला का आपको जरूरत उतना नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब यहां पर हमको मोलैलिटी निकालना, तो मोलैलिटी क्या बताता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां सॉल्वेंट का वेट कितना दिया हुआ है, सॉल्वेंट आपका 1000 ग्राम है क्या, नहीं। यहाँ सॉल्वेंट कितना है, 900 ग्राम है। यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या निकल के आ रहा है, 900 ग्राम, 1080 - 180 किए थे। तो आप यहां पर देखो, आपको तो 1000 ग्राम में देखना है, आपको तो 1000 ग्राम में देखना है, तो कैसे देखोगे, आओ देखिए। अच्छा, 900 ग्राम सॉल्वेंट में कितना मोल्स है, 900 ग्राम सॉल्वेंट में कितना मोल्स है, 1 मोल है। 900 ग्राम सॉल्वेंट में कितना मोल्स है C6H12O6 का, 1 मोल्स है। तो 1000 ग्राम में कितना होगा, बड़ा आसानी से निकल जाएगा, देखो
मैंने कहीं भी फॉर्मूला का इस्तेमाल ही नहीं किया, 1/900 इंटू 1000 मोल्स, और ये जो मोल्स है निकला किसमें, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, यही तो एम है। तो आप क्या लिख सकते हो, एक कटा यहां पर हो गया 10/9 एम। बोलो कोई दिक्कत की बात है? नहीं। तो ये आपका क्या निकल गया, मोलैलिटी। लास्ट दैट इज मोल फ्रैक्शन। तो पहले देख लो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ रहा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, 1 डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, फिर से 1 प्लस सॉल्वेंट कितना निकलेगा, 900 डिवाइडेड बाई, 900 डिवाइडेड बाई, जल्दी से बोलो मोल्स निकालना है आपको। तो आपको पता है एक मोल ऑफ पानी में 18 ग्राम, तो 900 ग्राम में कितना मोल, 1/18 इंटू 900 ऊपर काटो 50, तो यहां कितना आ जाएगा, 900 ग्राम में कितना आ गया 50, तो आंसर क्या हो गया 1/51। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H12O6। सोचो एक डेटा से आप बहुत सारी चीजें निकाल करके दिखला दिए। तो आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये तो मिक्सिंग का प्रॉब्लम आ गया। नहीं, इससे पहले एक और क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। अगर आपको मोलर मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है सॉल्यूट का, M1 ग्राम में है ये ऑलरेडी, ठीक है, और डेंसिटी दिया हुआ है, तो मोलैलिटी निकालना। ठीक, तो आप पहले ये देखो मोलैलिटी निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। मोलैलिटी निकालने के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में होगा, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और ग्राम में ही निकलेगा क्योंकि ये डी क्या है, ग्राम पर एमएल में है, यही चाहिए। और मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या चाहिए आपको, वेट निकालना है सॉल्यूट का और मॉलिकुलर वेट चाहिए, वो तो दिया हुआ है आपको। तो आपका मेन मकसद क्या है, मेन मकसद क्या है, एक वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना और एक वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये दो चीजें हम निकाल ले तो अपना काम हो जाएगा। तो आपको क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी दिया हुआ है। ठीक, तो यहां से क्या पता चला, एम मोल्स, मोल्स भी निकल गया डायरेक्ट, एम मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। बोलो कोई दिक्कत की बात, बोलोगे सर ml क्यों लिया, फिर यहां पर देखो डेंसिटी। हिंट आपको मिलता कहां से, क्वेश्चन से। तो m मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको सॉल्यूशन का क्या निकल गया, वॉल्यूम। तो अब यहां से क्या निकाल सकते हो, वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू रो ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या आ गया, रो ऑफ सॉल्यूशन कितना है, d ग्राम पर ml, और वॉल्यूम कितना, 1000, तो d into 1000। ये आपका क्या निकल गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको क्या निकालना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। जो पूरा सॉल्यूशन का मास है उसमें सॉल्यूट का मास को हटा देंगे तो क्या बचेगा, सॉल्वेंट ही बचेगा, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट बाइनरी सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन मेरा क्या निकल करके आ रहा है, वेट ऑफ सॉल्यूशन आपका निकल के आ रहा है डी इंटू 1000 माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास m1 है, मोल्स m है, तो m इंटू m1 क्या निकल गया, वेट ऑफ सॉल्यूट, दिस इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्वेंट। बोलो इसमें कोई दिक्कत की बात है, आप सोचोगे ये m इंटू m1 कैसे कर दिया, वही मोल्स का बेसिक कंसेप्ट लगाओ यार, 1 मोल में m1 ग्राम, m मोल में m1 इंटू m ग्राम। तो यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूट की जगह पे क्या आ गया बेटा, m इंटू m1 आ गया। नेक्स्ट, अब अपने को क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालना है, तो मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। अब मोल्स ऑफ द सॉल्यूट यहां पर पहले ही पता है, m डिवाइडेड बाई वेट ऑफ द सॉल्वेंट, ये निकाल चुके हो आप ऑलरेडी, क्या निकल के आया है, d इंटू 1000 माइनस m इंटू m1 इंटू 1000। कारण,
ये वेट ऑफ द सॉल्वेंट जो निकला होगा वो किस में निकला होगा, वो ग्राम्स में निकला होगा, जब भी ग्राम्स में होगा तो इन 2000 जरूर करेंगे, तो ये एक रिलेशन भी निकल करके आ गया। रट्टा नहीं मार रहे अपने को, ये बेसिक कंसेप्ट को समझना है। अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ रहा है तो आप आसानी से यहां तक पहुंच सकते हो, ठीक है, और याद करने की इच्छा है तो कर भी सकते हो, लेकिन मैं तो इसको प्रिस्क्राइब नहीं करूंगा कि आप इसको याद करें, क्योंकि रटना कोई चीज का सोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। जब तक आप उस चीज को फील नहीं करोगे तो आप चीजों को बना नहीं पाओगे यार मजेदार तरीके से, और मजेदार तरीके से बनाना है तो चीजों को फील करना भी जरूरी है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद मिक्सिंग ऑफ द सॉल्यूशन, अभी तक हमने देख लिया कि कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, किसी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्या क्या चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब जो अपन देखेंगे ना, अब देखेंगे कि आपके पास एक सॉल्यूशन है उसका एक अपना कंसंट्रेशन है, एक सॉल्यूशन उसका एक अपना कंसंट्रेशन है, दोनों को मिला दे तो एक नया सॉल्यूशन बनेगा, उसका एक अपना कंसंट्रेशन होगा, ठीक। अब यहां पर देखो एक सॉल्यूशन है NaOH का जिसमें 2 लीटर है और इसका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ 5 m, मतलब मोलारिटी दिया हुआ है। यहां पर भी क्या दिया हुआ 0.5 m, वॉल्यूम दे दिया 4 लीटर। अब आप इस दोनों को मिला देंगे तो एक नया सॉल्यूशन बनेगा, और उस नया सॉल्यूशन का आपको क्या निकालना है, कंसंट्रेशन निकालना। अब एक बात बताना, जब आप इस दोनों को मिलाओगे तो क्या क्या आपको डेटा मिलेगा, दोनों को मिलाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 6 लीटर, 4 + 2 लीटर। अब बोलोगे सर कंसंट्रेशन को डायरेक्ट ऐड कर दे, नहीं डायरेक्ट आप ऐड नहीं कर सकते हो कंसंट्रेशन को, हाँ नंबर्स को आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, नंबर्स को आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। और मोल्स जो होता है वो क्या चीज को बताता, मैंने हजार बार बोल चुका हूं मैं आपको, मोल्स क्या चीज को बताता, मोल्स नंबर को बताता है। तो इसका जो नंबर ऑफ मोल्स होगा NaOH का और इसका जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH होगा, ये दोनों भी क्या हो जाएगा यहां पर ऐड, तो N1 + N2, ये बराबर क्या हो जाएगा N फाइनल। और आपको क्या निकालना है M फाइनल, क्या निकालना है ये M फाइनल निकालना है। तो M फाइनल कैसे निकालोगे, M फाइनल निकालने के लिए आपको NF पता होना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम तो आपको पता है, लेकिन अगर आपको MF नहीं पता है तो फिर दिक्कत की बात है। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा NF, तो NF कैसे निकालोगे, तो NF बराबर क्या हो जाएगा N1 + N2, तो NF का जगह पे क्या लिख सकते हो MF इंटू VF, VF आपका कितना 6 लीटर। अब बोलोगे सर ये कैसे आ गया, तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स है, लीटर में ही है। N1 क्या हो जाएगा उसी तरीका से मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन 5 इंटू वॉल्यूम कितना हो गया 2 प्लस N2 क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 4, सॉल्व करिए MF आ जाएगा 5 इंटू 2 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6, आंसर हो जाएगा 2। बोलो कोई दिक्कत की बात है, नहीं है। तो इस तरीका से आपसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स रिलेटेड मिक्सिंग आ सकता है। तो मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को क्यों ऐड किया ये कारण भी पता होना चाहिए, रटना नहीं है क्योंकि ये नंबर है, और किसी भी चीज का नंबर्स डायरेक्ट ऐड होता है, किसी भी पार्टिकल्स का नंबर, तो ये पार्टिकल्स का नंबर है। मान लो आपने 10 बॉल लाया 20 बॉल लाया और दोनों को एक जगह पे रख दिया, मैं पूछूंगा टोटल बॉल्स कितने, आप डायरेक्ट ऐड कर दोगे। लेकिन अगर मैं बात करूं उनका कंसंट्रेशन का, तो वो किसके साथ मिले हुए थे उस पर डिपेंड करेगा, इसलिए आप डायरेक्ट कंसंट्रेशन को ऐड नहीं कर सकते हो। तो एक कंसेप्ट ये था। आइए एक सवाल और देखें इसी प्रॉब्लम्स रिलेटेड मिक्सिंग से। अब यहां पर भी वही है, अब यहां पर ये सिंपल पानी है, वाटर है, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, सिंपल पानी मतलब NaOH का मोल्स क्या हो गया 0। तो यहां पर क्या हो जाएगा NF बराबर N1 + N2, तो यहां पर V फाइनल क्या हो जाएगा 4 + 2 कितना हो गया 6 लीटर। तो यहां NF बराबर क्या हो गया MF इंटू 6, N1 बराबर क्या हो गया 2 × 6, N2 बराबर क्या हो गया 0 × 4, तो MF बराबर क्या आ जाएगा 6 × 2 डिवाइडेड बाई 6, 6, 6 कट गया, आंसर आ गया। अब दिस इज अ डायरेक्ट केस ऑफ डाइल्यूशन, ये जो डायरेक्ट आप पानी को ऐड करते हो ना, ये डाइल्यूशन का केस है, आप उसको और डाइल्यूट कर रहे हो। तो आप एक बात बताओ, अगर आप डाइल्यूट करोगे तो उसका कंसंट्रेशन तो कम हो गई, पहले 6 m था अब कितना हो गया 2 m हो गया, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हो, कंसेप्ट है डाइल्यूशन का, नहीं तो ये बेसिक टेक्निक ही अपनाओ, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। मोल्स 0, खाली पानी तो 0, रटना क्यों फॉर्मूला को, एम वी वन प्लस वी टू इज इक्वल्स टू एम वन इंटू वी वन, अरे क्यों रटना, बेसिक कंसेप्ट को लगाओ ना।
क्यों ऐड कर रहे हैं, ये भी समझ में आना चाहिए कि नंबर्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं एक और सवाल प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ मिक्सिंग का। अब यहां पर थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज है, अभी तक हम लोग मोलैरिटी देख रहे थे, तो क्या जरूरी थोड़ी हमेशा मोलैरिटी है, मोलैरिटी भी आ सकता है, पीपीएम भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो आपको बेसिक फंडा क्लियर है तो आप उस हिसाब से उसको सॉल्व कर लेंगे यूनिटरी मेथड से। तो आपको क्या निकालना है, इस फाइनल सॉल्यूशन का क्या निकालना है, पीपीएम में कंसंट्रेशन निकालना है। तो आपके पास क्या दिया हुआ, 1000 kg ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, 100 kg ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, लेकिन यहां पर कंसंट्रेशन कितना है H2SO4 का 80 और यहां कितना है 200। ठीक, तो एक बात तो क्लियर है, दोनों को मिलाओगे तो जो वॉल्यूम है वो जो मास है दोनों का वो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है ये सब 50 + 100, मतलब मास कितना आ गया, मास कितना आ गया सॉल्यूशन का, वेट ऑफ सॉल्यूशन आपका क्या निकल के आ गया, 150 kg। ठीक है, अब यहां पर देखिए, आप यहां पर देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका क्या मतलब है 80 ppm का, 80 ppm का मतलब है कि 80 ppm इज प्रेजेंट इन 10^6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको देखना है कि 50 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा, तो 10^80 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 10^6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको देखना है कि 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना होगा, तो 80/10^6, तो 50 kg, 50 kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 × 10^3, मतलब 5 × 10^4 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा, तो 80/10^6 × 5 × 10^4 ग्राम में कितना होगा, इतना ग्राम H2SO4 होगा। तो अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ 10 बचेगा, ये 5 से काटो तो यहाँ 2, और इसको काटोगे तो 4, मतलब 50 kg ऑफ सॉल्यूशन में मात्र 4 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है। तो इसमें कितना H2SO4 का वेट आ गया, 4 ग्राम। उसी तरीके से अपन क्या करेंगे, वेट ऑफ H2SO4 इस सॉल्यूशन में भी निकालेंगे, तो इस सॉल्यूशन में क्या आएगा, यहां पर है 200 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 10^6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कैसे पता चला, इस डेटा से 200 ppm जो वो लाइन बताए थे वो लाइन से ये पता चला कि 200 ग्राम ऑफ H2SO4 ये मेरा सॉल्यूट है, किसमें प्रेजेंट होगा, 10^6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। मैं पूछूंगा 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, तो 200/10^6, मैं फिर पूछूंगा 100 ग्राम 100 केजी में, तो 100 केजी को पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लो, 100 × 10^3, मतलब 10^5 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, यहां भी वेट निकालना है, तो 200/10^6 × 10^5 ग्राम, ये कैंसिल हो गया एक जो बचा, तो यहां क्या हो गया, 20 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 10^5 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो यहां H2SO4 का वेट क्या आ गया, 20। अब इन दोनों को मिलाओगे तो जो नेट सॉल्यूशन निकलेगा उसमें वेट कितना आएगा, वेट ऑफ H2SO4 24 ग्राम। तो अब इसमें हमको कंसंट्रेशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 150 × 10^3 ग्राम में कितना वेट प्रेजेंट है, 24 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितना होगा, 24/15 × 10^4, तो 10^6 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा, सब सॉल्यूशन का है ये, 150 × 10^3 ग्राम, तो हो जाएगा 24/15 × 10^4 × 10^6, ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया 100, ये आ गया 5, ये आ गया 8, फिर काट दो 100 को, 100 को अगर तुम 5 से डिवाइड दोगे तो इट विल बी 20,
20 इंटू 8 कितना आ गया 160 ppm। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अपन को कैसे निकालना रहता है। किसी भी तरीका का आ सकता है, मोलैलिटी आ सकता है, तो बेसिक फंडा को अपनाओ और उस बेसिक फंडा से ही आप चीजों को निकाल सकते हो अगर आपको स्टेटमेंट्स याद हैं तो। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी सवाल आपको मिलेंगे मॉड्यूल्स में, आप लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं एक दो पॉइंट्स है जो मैं क्लियर करना चाहूंगा, इस ये चैप्टर का लास्ट है। ठीक है, तो मैं दो पॉइंट्स और आपको क्लियर करना चाहूंगा। एक वर्ड बहुत बार यूज होता है मोलर मास। ये मोलर मास क्या है? मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। कुछ नहीं है ये भाई, डरने की कोई बात नहीं है। वन मोल का मास, मास ऑफ वन मोल इज कॉल्ड मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस। सोडियम का मोलर मास 23 ग्राम, खाली लिख दो तो भी वही चीज को बता रहा है। ग्राम पर मोल लिख दो तो भी वही चीज को बता रहा है। ग्राम पर मोल लिखने से क्या हो गया, बाई में वन मोल लिख रहे हो तो वो चीज को बता देता है, वन मोल पूरा समझा देता है। लेकिन सिर्फ ग्राम लिख रहे हो तो वो भी एक ही मोल का मास को बताता है, तो कोई डरने की बात नहीं। कहीं पर मोलर मास लिखा हुआ ना, डरने की कोई बात नहीं है, वो मॉलिक्यूलर मास ही है इन ग्राम। बस जब मोलर मास लिखोगे ना, मोलर तो डिवाइडेड बाई मोल्स करना होगा, और कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। दूसरा बात, क्या मोल का कोई यूनिट होता है? नहीं होता। फिर आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर फिर टू मोल बहुत जगह पर लिखा हुआ रहता है, टू मोल ऐसा भी लिखा हुआ रहता है, तो सर यूनिट तो आ गया मोल का। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जब ये आप ऐसा तब लिख सकते हो टू मोल, जब आप बोलेगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस टू मोल, अमाउंट ऑफ बी सब्सटेंस टू मोल। तो ये जो एम ओ एल लिखते हो ना, इसको एज ए यूनिट माना जा सकता है लेकिन अमाउंट के लिए। लेकिन अब मैं पूछूंगा मोल का क्या यूनिट है, कोई यूनिट नहीं है, कोई भी यूनिट नहीं है। तो इसको एज अ यूनिट, मोल को एज अ यूनिट कंसिडर किया जाता है, मोल को इटसेल्फ एज अ यूनिट कंसिडर किया जाता है। किसके लिए? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। लेकिन मैं पूछूंगा मोल का क्या यूनिट है, कोई यूनिट नहीं है। तो आई होप आपने कंसंट्रेशन टर्म देखा होगा। ये मेरे गुजारिश रहेगी कि आप हर एक कंसंट्रेशन का जो स्टेटमेंट है उसको कम से कम 10 बार लिखे, 10 times मिनिमम, और उसके बाद आप सवाल को लगाए, चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर रहेगी। और वही यूनिटरी को बार बार लगाना है, कोई नया दिमाग नहीं लगाना है। इसी के साथ आपका ये क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मस्त रहो, जबरदस्त रहो, और जोरदारिता के साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो दबा।